सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, देखें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों ये है गाओ प्लस ऐप, आपने पहले सुना ही होगा। गाओ ऐप का ये नया वर्जन है जो अभी अभी रीलॉन्च किया गया है और इसका बीटा वर्जन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में जाके आप वहां से गाओ प्लस सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप दोस्तों 100% फ्री है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई प्रो वर्जन अभी नहीं है और यहाँ पे आपको कुछ भी बाय करना नहीं है। जितने भी फीचर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद इसे करिए ओपन। दोस्तों ये ऐप बिल्कुल उसी तरह से आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। ये ऐप इस बार सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि इंडियन सॉन्ग्स यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। और भी यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं जो मैं एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले एक नज़र इंटरफेस पे डालते हैं। तो जब आप ओपन करते हैं ऐप तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे जो है सॉन्ग बुक है, सॉन्ग बुक के अंदर में ये कुछ रिकमेंडेड सॉन्ग हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आर्टिस्ट वाइज सॉन्ग को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ टॉप के जो गाने हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद थर्ड में कुछ फ़िल्टर है, आप लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, जेनरे के आधार पे फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री स्टाइल सिंगिंग करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी बैकग्राउंड सॉन्ग आप नहीं चाहते हैं प्ले करना, तो आप फ्री स्टाइल सिंगिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन है वो है लाइब्रेरी। अगर आप कोई सॉन्ग यहाँ से सिंग करने के लिए, सबसे पहले उस सॉन्ग को आपको डाउनलोड करना होता है, तो ये डाउनलोड किए हुए जितने भी सॉन्ग होंगे आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे लाइब्रेरी सेक्शन में। अगर आप किसी भी सॉन्ग को गा लेते हैं, गाने के बाद जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो आप सेव करना चाहते हैं और सेव होता है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स ऑप्शन के थ्रू उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ऊपर सर्च बार देख रहे हैं, जहाँ से आप कोई भी सॉन्ग यहाँ पे आप इसे सर्च कर सकते हैं और उस सॉन्ग को आप गा सकते हैं। इसके बाद कुछ नज़र डालते हैं आप नीचे, जब देखते हैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन हैं नीचे, जिसमें आप देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो है कम्युनिटी का। कम्युनिटी मतलब कि आप फेसबुक की तरह आप किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्डिंग्स को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें आपको लिखना हो तो उसे पब्लिकली पोस्ट करने के लिए यहाँ पे कम्युनिटी टैब है। यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं पब्लिकली। यहाँ पे पिक्स का ऑप्शन है, जहाँ पे कुछ टॉप डिस्कशन है वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे रेगुलर फीड है, यानी कि आपके फॉलोअर्स जो भी या फिर आप जिसे फॉलो करते हैं उन्होंने जो भी लिखा है वो यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा रिसेंट पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, जो कि है चार्ट। चार्ट में कुछ टॉप के सॉन्ग्स जो हैं, लोगों के रिकॉर्डिंग्स हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एक से यहाँ पे टॉप 30 सॉन्ग्स की लिस्ट है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिडिल का जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो आप देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मैसेज का, जहाँ पे आप किसी भी अपने फॉलोअर्स को या फिर किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको यहाँ पे इनबॉक्स में दिखती हैं जो आपने मैसेज किया है। किसी ने आपको गिफ्ट भेजा है वो यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद मी में जाते हैं तो आपका प्रोफाइल दिखता है। प्रोफाइल मतलब अगर आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाएं। अकाउंट इसलिए जिससे आप अपने रिकॉर्डिंग्स को सेव कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा, साइन अप करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे 4 ऑप्शन दिखते हैं जो कि एक्टिविटी है। आपकी रिसेंट एक्टिविटी जो भी है, आपने अगर कोई गाना गाया है या फिर कहीं पोस्ट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अपलोड्स में कुछ आपके अपलोड्स होंगे, जो गाने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। इसके बाद अगर आपने किसी को इनवाइट किया है कोई गाना गाने के लिए, या आपको किसी ने इनवाइट किया है कोई गाना गाने के लिए कोलैबोरेशन करके, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं फ़ोटोज़ के ऑप्शन, यहाँ पे आपको आपके द्वारा अपलोड किए गए फ़ोटो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं।
इसके अलावा आप ऊपर देख रहे हैं तीन ऑप्शन है, यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन है। लाइब्रेरी का ऑप्शन हमने पहले ही बता दिया है कि जो भी सॉन्ग आप गाते हैं तो सबसे पहले वो सॉन्ग आपका डाउनलोड होता है, वो चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। रिकॉर्डिंग, जब आप गाना गा के जो रिकॉर्डिंग होती हैं वो रिकॉर्डिंग्स आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन में दिख जाती हैं। इसके अलावा जो भी कॉइन आप कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर आप देख रहे हैं तीन चीज़ें हैं, यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ हैं और फॉलोइंग है। आपके कितने फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, कितने आपके गाने के जितने व्यू हुए हैं वो यहाँ पे मिलेगा, और इसके अलावा फॉलोइंग जिसे आपने फॉलो किया है वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। अब बात करते हैं कि गाना को कैसे यहाँ पे गाया जाए। तो सबसे पहले गाना को गाने के लिए आपको मिडल वाले ऑप्शन पे सिंग पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ टॉप गाने हैं आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इसी गाने में से कोई गाना एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर के सर्च बार में जाके यहाँ पे गाना आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ तुम ही हो और यहाँ पे टैप कर दिया। अब ये गाना यहाँ पे बहुत सारे तुम ही हो से आ गया। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा गाना आप गाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपको सिंग पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलता है। पहला ऑप्शन है सोलो, यानी कि आप अकेले उस गाने को गाना चाहते हैं तो आपको सोलो पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पार्ट आप गाएं और कुछ पार्ट उस गाने का कोई और गाए, जैसे मेल वर्जन फीमेल वर्जन, कोई एक वर्जन आप गा रहे हैं दूसरा वर्जन कोई और गाए, तो यहाँ पे आपको कोलैब पे करके उस गाने को गाना है। या फिर आप चाहते हैं कि पहले से कोई किसी ने गाना गा रखा और उस गाने में आपको कोलैब करना है तो आपको ज्वाइन अ कोलैब पे क्लिक करना होगा। तो ये तीनों चीज़ें का ऑप्शन आपको यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ पे सोलो पे क्लिक करते हैं। सोलो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये गाना होता है यहाँ पे डाउनलोड। आपको तब तक इंतज़ार करना है जब तक यहाँ पे नीचे स्टार्ट का ऑप्शन ना जाए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जब स्टार्ट का ऑप्शन आ गया तो आपको स्टार्ट बटन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एरर आ गई हैं। ये एरर इसलिए आया है कि हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है, यानी कि स्क्रीन पे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, जिस वजह से ये दूसरा इस ऐप में रिकॉर्डिंग अब भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो यहाँ से आपको गाने का आ जाएगा, तो आप यहाँ से गाना गा सकते हैं। गाना गाने के बाद आपको सेव बटन पे डन पे क्लिक करना है, और डन पे क्लिक करने के बाद आपको वो गाना सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे तीन चार ऑप्शन देख रहे हैं, चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो ओरिजिनल लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस गाने की धुन या कहीं पे आप कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, तो आप ओरिजिनल टैब पे क्लिक करके यहाँ से इस गाने को आप ओरिजिनली एक बार प्ले कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है की का, जहाँ पे आपको वॉल्यूम सेट करनी होती है रिकॉर्डिंग्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपकी रिकॉर्डिंग की है, माइक का ऑप्शन है। उसके बाद रीस्टार्ट का ऑप्शन आप देख रहे हैं। रीस्टार्ट का मतलब ये है कि आपको वो जो है वो गाना जो है आपको फिर से रीस्टार्ट करना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो है गाना जब आप गा लेते हैं तो डन पे क्लिक करना होता है। डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ एडिटिंग के ऑप्शन आते हैं, जहाँ पे आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर कहीं पे म्यूजिक के साथ आपका वॉइस जो है वो सेट नहीं हो रहा है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आगे पीछे कुछ भी आप वहाँ से एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं और गाना आपका सेव हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।